हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक फैमिलीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक क्या होता है, या फिर दो कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज डिस्कस किया था। आज हम देखने जा रहे हैं कि रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक क्या होता है और उससे हम कौन सा बेसिक गेट बना सकते हैं और वो कैसे काम करता है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक से हम कौन से गेट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला सर्किट है इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक हमने रजिस्टर यूज किया है और एक ट्रांजिस्टर यूज किया है, ठीक है। हम देखते हैं कि ये किस तरह का काम करता है। तो इनपुट पे जब हम जीरो अप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब जीरो वोल्ट अप्लाई करेंगे तो बेस में कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें कोई करंट नहीं जाने की वजह से जो ट्रांजिस्टर होगा वो ऑफ रहेगा। ट्रांजिस्टर ऑफ होने की वजह से जो करंट होगा वो इसके थ्रू इधर नहीं पास होके इधर जाएगी, मतलब हमें वी नॉट पे वन मिलेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है ये ऑफ रहेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, इधर वन मिलेगा, तो मतलब जीरो देने पे आउटपुट वन आ रहा है, ठीक है। अगर हम वी आई पे वन अप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में आ जाएगा और ये हमारा ऑन हो जाएगा। ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो जो भी करंट होगी वो इसके थ्रू ग्राउंड में चली जाएगी, ठीक है, और हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर जीरो मिलेगा क्योंकि इधर जो है हमारा करंट ये शॉर्ट हो जाएगा, जो बीजेटी है वो शॉर्ट हो जाएगा और करंट इसके थ्रू ग्राउंड हो जाएगा और आउटपुट पर हमें जीरो मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि जब हमने जीरो अप्लाई किया तो वन मिल रहा है और वन अप्लाई किया तो जीरो मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो आरटीएल है वो किस तरह काम कर रहा है, हमारा नॉट गेट की तरह, ठीक है, समझ में आया। अब अगला जो डायग्राम ये है इसमें ये देखते हैं किस गेट की तरह काम करता है, ठीक है। तो जब हमने जीरो और जीरो अप्लाई किया, यहाँ पर जीरो अप्लाई किया, यहाँ पर जीरो अप्लाई किया, तो ये टी वन और टी टू दोनों ऑफ कंडीशन हो जाएंगे, ठीक है। टी वन टी टू ऑफ रहेंगे, ऑफ होने की वजह से इधर और इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, हमें यहाँ पर वन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक जीरो है और एक वन है, इस पर हमने जीरो अप्लाई किया और इस पर वन अप्लाई किया, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, टी वन ऑफ हो रहेगा, जीरो अप्लाई किया है, इस पे हमने वन अप्लाई किया है तो टी टू जो हो जाएगा वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। टी टू ऑन होने की वजह से जो भी करंट होगा वो इस टी टू ट्रांजिस्टर के थ्रू ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है, और आउटपुट वी नॉट हमें जीरो मिलेगा, राइट। सेकंड थर्ड केस में क्या है, वन और जीरो, यहाँ पर हमने वन अप्लाई किया और यहाँ पर जीरो अप्लाई किया, ठीक है। इस केस में जब हमने यहाँ पर वन अप्लाई किया, यहाँ पर जीरो अप्लाई किया, तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, ठीक है, टी वन हमारा ऑन हो जाएगा और टी टू ऑफ हो जाएगा। इन दैट केस जो भी करंट होगी वो टी वन के थ्रू ग्राउंड हो जाएगी और उस इस केस में भी हमें वी नॉट पे जीरो मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट केस है जब वी वन भी वन है और वी टू भी वन है, मतलब दोनों पे हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया है, तो क्या होगा कि टी वन भी ऑन रहेगा और टी टू भी ऑन हो जाएगा, राइट। तो करंट इसके और इन दोनों ट्रांजिस्टर के थ्रू ग्राउंड हो जाएगी और इस केस में भी आउटपुट हमें जीरो मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कि क्या हुआ कि अब हम इसको अगर कंपेयर करें तो ये कौन सा गेट हमारा बन के आता है, मतलब अगर हम इसको जीरो वन 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 कर दें तो मतलब ये है हमारा और गेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आउटपुट आ रहा है वो किसका हो गया, ये हो गया नॉर गेट का, समझ में आया। तो मतलब हमने क्या किया, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक यूज करके एक नॉर गेट डिजाइन कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको आरटीएल से नॉट गेट और आरटीएल से नॉर गेट कैसे बन रहा है ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, तब भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछिएगा कि ये चीज कैसे हो रही है।